यूपी के फिरोजाबाद में मानवता को संचार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां एक मकमा का उसके ही बेटा और बहू प्रॉपर्टी के लालच अपनी मां के साथ मारपीट की है। आपको बता दें, एक तरफ सरकार बूढ़े माँ बाप के लिए भले ही सख्त कानून बना दिए हो, लेकिन फिरोजाबाद के नगलाबारी चौराहा लतीफ मेडिकल के बराबर वाली गली के पास की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक माँ का ही बेटा और बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित माँ अनीसा का कहना है कि उनका इकलौता बेटा इमरान है जो उनसे हर समय यही बोलता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, पर माँ जो अपना बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे में ढूंढ रही है वह बेटा लालच में दरिंदा बन गया है। अनीसा का आरोप है कि उनका एक पुत्र है जो उनसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता है, पर पीड़िता अनीसा का कहना है कि यह प्रॉपर्टी हम उसके नाम करना नहीं चाहते हैं। मैं और मेरे पति दोनों ही इस मकान में रहते हैं, पर मेरा पुत्र इस मकान को अपने नाम पकड़ाना चाहता है। मैंने मकान को नाम में करने से मना कर दिया तो मुझे मारने की धमकी देने लगा और यह कहने लगा कि तुम्हें मादक पदार्थों के जुर्म में पकड़वा दूंगा। वहीं आज बात इस हद तक बढ़ गई कि आज तो मुझे शर्म आ रही है, अपना बेटा बोलते मैं मेरे बेटा और बहू ने मुझे बहुत मारा, घर का सामान तोड़ फोड़ दिया है, अब मुझे मेरे बेटे से जान का खतरा है। विवाद दोपहर के समय का बताया जा रहा है, जब माँ अपने घर के नीचे कमरे में बैठी हुई थी तो मेरा बेटा और बहू ने आकर घर में तोड़ फोड़ कर दी, मुझे इस कदर पीटा कि मेरे खून निकल आया और पीटने के बाद घर से फरार हो गया। जहां पीड़ित अनीसा ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पूरे माँ बाप को अपने ही बेटा और बहू से न्याय मिल पाएगा। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर अहमद एडवोकेट है। ये किस तरह का मामला परिवार में मारपीट देखने को मिला है? देखिए, ये मामला विगत 4-5 सालों का चल रहा है। हाजी इकराम साहब और हमारी सास जो है ना, सास ससुर हैं, यहाँ रहते हैं। इनका एक ही बेटा है इमरान अली। इसने करीब 4-5 साल पहले अपनी एक बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली इसी फिरोजाबाद से। इनकी बच्चियों की शादी हो चुकी, सारे लोग अपने अपने ससुराल के हो गए, और अब इन पर पिछले 2 साल से प्रेशर ये बनाया जा रहा है। जो उनकी पहली बीवी है, हिना नाम है उसका, धौलपुर से आई है भैया के, उसके रिश्तेदारों के भड़कावे में, उनके बहनों ये मुख्तियार हाजीपुरी में दुकान करे हुए, उनके भड़कावे में आके इन दोनों बड़े बूढ़ों पर ये दबाव बना रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम में है, प्लाट ज़मीन जो भी है, वो हमारी पहली बहू के नाम में कर दो। जब ये लोगों ने कहा कि हमारे बड़ा बुढ़ापा है और बुढ़ापे का साथ है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये हम इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे, जिसको लेकर इस घर में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। चूँकि मेरी ससुराल है यहाँ पर, तो आज संडे का दिन था, तो हमारी पत्नी, हमारी बड़ी साली दोनों लोग आए हुए थे घूमने बाजार के लिए। इस बहाने देखा क्या यहाँ पर कि ये हमारी सास की मियाँ बीवी दोनों, हमारे साला और सड़वाइन, मारपीट कर रहे थे, और इस तरीके से मारपीट कर रहे थे जैसे मालूम पड़ता था कि इनकी हत्या कर देंगे वो लोग। जब माँ को पिटता हुआ देखा तो इन बच्चियों ने बचाने का प्रयास किया तो इनके साथ भी मारपीट की। फिर उसके बाद में ये फ़ोन पे सूचना करी गई हम लोगों को, तो हम लोग जब आए, आने के बाद में जानकारी देखी, यहाँ का हालात देखा, फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन करा, तत्काल हमें पुलिस सहायता मिली और पुलिस सहायता में सारी डिटेल हमने नोट कराई, और अब इनकी जान को पूरा पूरा खतरा बना हुआ है। जो बड़े बूढ़े हैं हसी कराम साहब और उनकी अहलिया, इनकी जान को पूरा पूरा खतरा बना हुआ है, और मैं पुलिस प्रशासन, आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी जान माल की सुरक्षा कराई जाए और तत्काल इमरान अली और उसकी पत्नी श्रीमती हिना के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनीसा है। मतलब परिवार में किस तरह का विवाद हुआ है? मेरी परिवार में जो चाहता है क्या, मेरे नाम जमीन जायदाद कर दो, मैं करना नहीं चाहती, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, दोनों में अभी भी जान से मारने की धमकी देता है। उन्हें कहता है क्या, चरस और तुम्हें गांजा लगाऊंगा, तुम्हें पुलिस से पकड़वाऊंगा। ये कौन कहता है? मेरा बेटा और बेटे की बहू। कौन से नंबर का बेटा है आपका? एक ही बेटा है बस। क्या नाम है बेटे का? इमरान। और किस बात को लेकर विवाद इतना कैसे बढ़ गया परिवार में? मारा चाह रहा है कि मुझे जमीन नाम कर दो बस, और कोई लड़ाई नहीं है। जमीन किसके नाम में है? मेरे नाम है बेटा। अच्छा, वो आपने जबरन बताते हैं कि जमीन हमारे नाम में कर दो? मैं करना नहीं चाहती, बुढ़ापे का खतरा था बेटा मेरा।
तो आपने पुलिस में जाकर शिकायत करी, आपने थाने जाकर? आप जाएंगे? आप जाएंगे हम थाने। ये कितने बजे की घटना है ये पूरा मामला? ये 2-3 बजे का, 4 बजे की बात है, 1 घंटा। तो अभी आपके बहू और बेटे कहाँ हैं? यहाँ से मुझे मार मुर के भाग गए अपने रिश्तेदारों में।